पिछले दिनों अखबारों में एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था के शेप में रिकवरी कर रही है, अंग्रेजी का अक्षर के उस शेप में रिकवरी कर रही है। आखिर क्या होती है के शेप रिकवरी और बाकी शेप कौन कौन सी हैं जिसमें रिकवरी की जाती है, जैसे यू शेप, डब्ल्यू शेप, एल शेप, इन सब के बारे में आज जानेंगे ज्ञान की डिजिटल दुनिया। ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आप जानते हैं 2020 में कोरोना महामारी ने भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नेगेटिव रूप से प्रभावित किया, यानी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। दुनिया भर में लगे लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया, भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा और आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक हो चली थी। लॉकडाउन हटा, वैक्सीन से उम्मीदें बढ़ी, अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी। अब कहा जा रहा है कि दुनिया और भारत की अर्थव्यवस्था के शेप में रिकवर हो रही है। दरअसल अंग्रेजी का जो लेटर है के, अगर आप उसको मानवीकृत करके देखें तो समझें उसकी दो भुजाएं हैं, एक ऊपरी और एक नीची। तो एक भुजा ऊपर की तरफ रहती है और एक भुजा नीचे की तरफ रहती है ना। तो उसी आधार पर समझें कि अर्थव्यवस्था में अलग अलग सेक्टर यानी विभिन्न क्षेत्रक अलग अलग गति से रिकवर हो रहे हैं। कोई ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई उसी गति से नीचे की ओर जा रहा है, यानी दोनों के बीच में एक गैप बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दोनों रिकवर हो रहे हैं लेकिन अलग अलग गति से। इस तरह की रिकवरी से अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक स्तर पर परिवर्तन होता है। अगर आप के शेप को देखें तो एक स्तर ऐसा आएगा जहां पर वो भुजा ऊपरी खत्म होगी और जहां की नीचे खत्म होगी। अगर आप उन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो बहुत व्यापक अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। इसे अमीरी और गरीबी की खाई के रूप में अगर आप समझना चाहें तो वैसे भी समझ सकते हैं। के शेप रिकवरी में कहा गया कि ऐसे हाउसहोल्ड शीर्ष पर हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने धन की बचत की, धन बचाकर रखा और यही बचत भविष्य में उपभोग और मांग को बढ़ावा देने में सहायक होगी। जबकि इसके उलट आप देखें तो निम्न मध्यवर्गीय हाउसहोल्ड या निम्न वर्गीय परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही क्योंकि बेरोजगारी का सामना उन्हें करना पड़ा। आर्थिक गतिविधियां जिस तरीके से कम होती चली गईं उसने उनकी आय को स्थायी रूप से प्रभावित किया। एक तरीके से इस कोरोना काल के दौरान आय का हस्तांतरण गरीबों से अमीरों की ओर हुआ। आप जानते हैं कि उच्च आय वर्ग की तुलना में गरीब वर्ग जो होता है वो बचत करने के बजाय खर्च करने पर ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि जितना धन होगा उसके हिसाब से, उसके अनुपात से खर्च और बचत की जाती है। जब कम होगा तो जाहिर है आप खर्च ही ज़्यादा करेंगे, बचत नहीं। जबकि उच्च आय वर्ग के पास बचत के लिए भी पर्याप्त संसाधन होते हैं तो वो बचत पर भी जोर देते हैं, और यही कोविड के दौरान हुआ ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। आप देखें, एक डेटा के अनुसार भारत में अक्टूबर के बाद से कारों के पंजीकरण 4% बढ़ गए हैं और दो पहिया वाहन टू व्हीलर्स में 15% की वृद्धि हुई है। और ये सब कुछ उच्च आय वाले परिवारों ने जो दो तिमाहियों के दौरान बचत की है, ये लाभ उससे प्राप्त हुआ है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। अभी जितना भी उपभोग का व्यय हो पाया है वो इसी बचत से संभव है। तो के शेप की रिकवरी अब आप समझ पा रहे होंगे, दो भुजाएं, एक जिसकी लगातार रिकवरी हो रही है और एक जिसकी स्टीप रिकवरी नहीं हो रही है, यानी एकदम खड़ी रिकवरी नहीं हो रही है लेकिन उसके मुकाबले एकदम उल्टी दिशा में वो चल रहा है या धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। लेकिन ये तो पिछले दिनों की बात है, इससे पहले भी कई तरह की रिकवरी शेप्स चर्चा में रही। आइए जान लेते हैं आखिर कौन कौन सी रिकवरीज, किस किस शेप की रिकवरीज की बात अर्थव्यवस्था में की जाती है। एक होती है जेड शेप रिकवरी। इस रिकवरी में अंग्रेजी के जेड की तरह ग्राफ पर अक्षर बनता है जिसमें अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से सुदृढ़ हो जाती है। अगर अर्थव्यवस्था में कुछ हानि हुई है तो वो तुरंत रिकवर होगी और वापस नीचे आके उसी लेवल पर आ जाएगी जहां वो पहले थी, यानी लॉकडाउन से पहले की सिचुएशन वापस आ जाएगी। तत्काल क्षतिपूर्ति के लिए आप इसको समझ सकते हैं। एक होती है वी शेप्ड रिकवरी, अंग्रेजी का अक्षर है वी, उससे आप इसको समझ सकते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे गिरती है और वापस तेजी से ऊपर आती है और वी शेप आपको दिखाई देता है, एक स्टीप यानी एक खड़ी ढलान आपको मिलेगी और खड़ी उठान आपको मिलेगी। एक होती है यू शेप रिकवरी, इसमें अर्थव्यवस्था को काफी संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि काफी समय तक यू अक्षर बनता है और अर्थव्यवस्था काफी समय तक आपकी एक नीचे रहती है और धीरे धीरे फिर ऊपर उठ के उस स्तर पर आती है जहां वो पहले थी।
यानी सामान्य होने में समय लगता है। बहुत देर तक नीचे झूलना यू आकृति बनाता है। एक आकृति है W shaped रिकवरी। इसमें अर्थव्यवस्था पहले गिरेगी, फिर उठेगी, फिर गिरेगी, फिर उठेगी और तब वो सामान्य स्तर पर आएगी। यानी दो बार गिरना, दो बार उठना, तब बनता है W shaped रिकवरी। एक होती है L shaped रिकवरी। ये किसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा परिदृश्य नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक बार नीचे गिरना और लंबे समय तक उसी पर बने रहना, ये बनाता है L shaped आकृति। आप देखें L अंग्रेजी का जिस तरह से होता है, वो होता है L shaped रिकवरी। एक होता है स्वूश रिकवरी। अंग्रेजी का लेटर है SWOOSH, स्वूश। इसे आप समझें जैसे नाइकी ब्रांड है ना, तो टिक मार्क जिसको आप कहें, उस तरह की रिकवरी होती है। और ये V और U आकृति के बीच का हिस्सा आप कह सकते हैं। इस रिकवरी में कारोबारी गतिविधियों में धीरे धीरे तेजी आती है और लोग भी अपने खर्च को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। यानी एक तीखी गिरावट और उसके बाद धीरे धीरे तेजी आना, तब बनता है टिक शेप, जिसको स्वूश भी कहते हैं। तो ये कुछ रिकवरी शेप्स थी अंग्रेजी के अक्षर से मिलती जुलती, जिसे आपको शायद समझने में कुछ आसानी हुई होगी, क्योंकि दुनिया भर के अर्थशास्त्री इस बात का अनुमान लगाने में जुटे हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद अब वैश्विक अर्थव्यवस्था किस तरह से रिकवर होगी। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और किस विषय पर आप चाहते हैं कि पॉडकास्ट बने वो ज़रूर बताएं, ताकि आपके सुझाए विषयों पर हम विचार कर सकें और पॉडकास्ट लेकर आ सकें। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगली प्रस्तुति के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।